चांद का दीदार मंगलवार को नहीं हुआ, इस कारण अब गुरुवार को ईद मनाई जाएगी। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात तक कहीं से भी चांद नहीं दिखा। मदरसा खानकाहों ने भी चांद नजर नहीं आने से गुरुवार को ईद की नमाज अदा करने का ऐलान किया। इससे पहले शाम होते ही लोग चांद को आसमान में तलाशने लगे। हालांकि सऊदी अरब में बुधवार को ईद मनाए जाने की सूचना के बाद लोग निश्चिंत हो गए कि यहां गुरुवार को ईद मनाई जाएगी। इधर ईद को लेकर बाजार की रौनक दिखी, जहां लोग देर रात तक ईद की खरीदारी करते दिखे। चूड़ी मेहंदी आदि की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ रही। वहीं ईद की नमाज को अधिकतर ईदगाहों में तैयारी पूरी कर ली गई। गौशाला ईदगाह से तैयारी अंतिम चरण पर है। गौशाला कमेटी के सचिव इकबाल कुरैशी ने कहा कि ईद की नमाज यहां 8 बजे अदा की जाएगी। जिले के ईदगाह की सफाई आज पूर्ण हो गई है। हम लोग 2 बजे के बाद चूना का लाइनिंग बनाएंगे और 2 बजे के बाद फॉगिंग भी चलेगा कि नमाजियों का मच्छर का जो है ये सब नहीं डिस्टर्ब करे। और उसके बाद 2 बजे के बाद से मैक का जो है ये पूरे ईदगाह के अंदर से लेकर पूरा बाहर जैसा BNTYD क्लिनिक के आगे तक जो है मैक लगेगा कि नमाजियों को जो है नमाज का समय आवाज़ पूरा मिल जाए। नगर निगम से टैंकर आ जाएगा पानी के लिए। साफ़ सफाई का माहौल पूरा बन चुका है ईदगाह में। 8 बजे नमाज शुरू हो जाएगी। लोग अपना 8 बजे से पहले आकर ईदगाह में जगह ले लें और उसके बाद नमाज पढ़ें और ईद का खुशी मनाएं। करीब कितने लोगों की भीड़ होती है? 15 से 20 हज़ार के लोग इसमें नमाज होती है। ईद की नमाज जो है मोटा मोटी शहर के जितने भी लोग हैं वो ईदगाह में नमाज पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कि ईद का नमाज के बाद सिर्फ सेवई खाना रहता है। कुर्बानी का नमाज जब होता है तो उस समय कुछ लोग अपने मस्जिद में अगल बगल में सवेरे पढ़ लेते थे, कुछ जानवर जमा करना पड़ता है, लेकिन ईद का नमाज हर मुसलमान जाया जाता है कि पहले ईदगाह में हो। तो इसलिए 15 से 20 हज़ार की आबादी इसमें ईद में लोग हो जाती है। बाहर से भी आने वाले, विदेश से भी आने वाले लोग सब जो है अपने शहर में आकर ईदगाही में नमाज़ पढ़ने का जो है मतलब कि ख्वाहिश रखते हैं कि ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। ईद के उपलक्ष्य पे क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? सभी मुजफ्फरपुरवासी को, देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामना। जिस तरह हम लोग ईद, होली, दिवाली, छठ मिल के मनाते हैं, आज संयोग है कि ईद भी चल रहा है, नवरात्रा भी चल रहा है। दोनों धर्म अभी धर्म साथ साथ चल रहा है। दोनों समुदाय के लोग अपने अपने धर्म का सही से जो है ना ये कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, हम लोग रोजा रख रहे हैं। कल हम लोग का ईद हो जाएगा तो फिर हिंदू भाई लोग अपना नवरात्रा कर रहे हैं, उसी में छठ भी होगा, सब होगा। आप भारत का जो है ये सब चीज़ का देश है, अगर सही से देखा जाए तो हिंदुस्तान ऐसा चीज़ है जहाँ सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान सबका जो है यहाँ पर एक दूसरे जुड़ के पर्व का जो है सम होता है। आज जो है मतलब कि ईद का जो नमाज कल होगा तो इसमें BJP उम्मीदवार हो तब, चाहे महा गठबंधन के उम्मीदवार हो तब, चाहे पूर्व मंत्री जी हो या वर्तमान विधायक जी हो, हर पार्टी के नेता यहाँ पहुँचेंगे, हर मुस्लिम भाई को मुबारकबाद देंगे। तो ये भारत का संस्कृति है ये, और यही संस्कृति पूरे दुनिया में आ जाए तो दुनिया फिर एक ऊपर स्वर्ग होगा, हम दुनिया में स्वर्ग देखेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।